लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण आरक्षण का कार्ड खेलकर मोदी सरकार ने अपनी ओर से मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया, लेकिन इस दांव से अब गुर्जरों ने जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक गुर्जर एकजुट होकर मोर्चा खोलने को तैयार है। गुस्से का ये ज्वार सूबे की सरकार पर भारी पड़ सकता है, इसलिए राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गेंद मोदी सरकार के पाले में डालकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरक्षण की मांग जब जब उठती है तब तब सरकारों की नींव हिलती है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की मांग गहलोत की गद्दी पर संकट ला सकती है, इसलिए अब सरकार आरक्षण की गेंद को केंद्र के पाले में डाल रही है। जी हां, जब से गुर्जर आरक्षण की आवाज़ बुलंद की गई है तब से कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि सरकार ने अगर गुर्जर और चार अन्य जातियों को 5% आरक्षण नहीं दिया तो 8 फरवरी से राज्य में गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही गुर्जर समुदाय कांग्रेस को समर्थन नहीं देगा। इसी धमकी के बाद अब मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुर्जरों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गुर्जर आरक्षण के मामले में आई कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार और पार्टी गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है और न्याय दिलाकर मानेगी। पायलट ने सवर्ण आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिल सकता है तो फिर सरकार को दूसरी जातियों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण को स्वीकृति दे चुकी है, अब केंद्र गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की मांग भी पूरी करे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गुर्जर समुदाय, रायका, बंजारा और गाड़िया लोहार जैसे समुदायों के लिए 5% आरक्षण की बात कही थी, लेकिन अब तक कानून लागू नहीं हुआ जिससे गुर्जरों में गुस्सा बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस सरकार अब उन्हें मना कर मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।